गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. हाँ गुड आफ्टरनून, चलिए गुड इवनिंग. जो गुड मॉर्निंग बोल रहा है उससे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून वालों के लिए गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग वालों के लिए गुड इवनिंग. लास्ट क्लास में मैंने बिगनर बॉक्स 3 दिया है ना, बिगनर बॉक्स 3 दिया था. किया आप सभी लोगों ने? है ना, तो लास्ट क्लास में हमने थ्योरी में प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी कंप्लीट कर ली थी. ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करें. ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. लिखेंगे तीन धनात्मक संख्याएं वर्धमान गुणोत्तर श्रेणी बनाती है. तीन धनात्मक संख्याएं वर्धमान गुणोत्तर श्रेणी में है यदि मध्यपद, यदि इस गुणोत्तर श्रेणी का मध्यपद दुगुना कर दिया जाए तो नई संख्याएं समांतर श्रेणी में होती है, समांतर श्रेणी बनाती है. तो गुणोत्तर श्रेणी का सार्वानुपात है ऑप्शन आर 3+√2, ऑप्शन 2 2-√3, ऑप्शन 3 2+√3 एंड ऑप्शन 4√2+√3. करेंगे तीन धनात्मक संख्याएं वर्धमान गुणोत्तर श्रेणी में यदि इस गुणोत्तर श्रेणी का मध्यपद दुगुना कर दिया जाए तो प्राप्त नई संख्याएं समांतर श्रेणी बनाती है. तो गुणोत्तर श्रेणी का सार्वानुपात है, ऑप्शंस दिए हुए हैं. तीन धनात्मक संख्याएं वर्धमान गुणोत्तर श्रेणी में, तो तीन धनात्मक कोई सी भी आप ar स्क्वायर भी ले सकते हो और a और ar भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. इस गुणोत्तर श्रेणी यही मान लिया अपन ने, तो गुणोत्तर श्रेणी है. मध्य पद दुगुना कर दिया जाए, बीच वाला पद दुगुना कर दें मध्य पद, तो ये क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी बन जाएगी. समांतर श्रेणी की प्रॉपर्टी क्या होती है, 2b = a+c. ए से डिवाइड किया 4r 1+r² r² - 4r + 1 = 0. तो r = -b + √b² - 4ac/2a. 4+-16 - 4 = 2√3/2. 2 से डिवाइड तो 2+-√3. तो 2+√3 भी है और 2-√3 भी है. अब दोनों ऑप्शन में है, सिंगल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो सिलेक्ट एक ही करना रहेगा.
धनात्मक संख्याएं बोला है क्वेश्चन में, तो प्रथम पद धनात्मक होगा है ना, तीनों पद धनात्मक है तो एक तो धनात्मक हो ही गया। अगर प्रथम पद धनात्मक है तो आर एक से बड़ा होना चाहिए, है ना, कल अपने पढ़ा था, अगर प्रथम पद धनात्मक ए पद धनात्मक है तो सर्वानुपात एक से बड़ा होना चाहिए, एक से बड़ा ये नहीं है ये, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन थ्री, वर्धमान गुणोत्तर श्रेणी के लिए आर एक से बड़ा होना चाहिए अगर ये धनात्मक है तो। समझ में आया कि बच्चों सभी को? हो गया सभी का? समझ में भी आया है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नहीं, हाँ नहीं हुआ, ठीक है, ये लो भाई वापस दिखा दिया आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो यदि गुणोत्तर श्रेणी में तीन संख्याओं का गुणनफल, गुणोत्तर श्रेणी में तीन संख्याओं का गुणनफल, गुणोत्तर श्रेणी में तीन संख्याओं का गुणनफल 512 है, यदि प्रथम संख्या में 8 जोड़ा जाए, दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाए, यदि प्रथम संख्या में 8 व दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्याएं समांतर श्रेणी में आ जाती हैं। ये होती संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए। कर सकते हैं? तीन संख्या गुणोत्तर श्रेणी में क्या ले लें? ए बाय आर, ए आर, क्योंकि गुणनफल दिया है तो ये लेने में थोड़ा सा अच्छा है। ए ए आर कितना है? 512। ए से ए क्यूब, आर से आर कैंसिल। आंसर बता दिया आपने, उदय ने 4, 8 और 16 बोल रहे हैं।
8 और 16, बिल्कुल सही है। ए क्यूब 512, ये 8 का क्यूब लिख सकते हैं 512 को, तो a इक्वल टू हो गया 8। अब यदि प्रथम संख्या में 8 व दूसरी में 6 जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्याएं एपी में आ जाती है। तो 2 एपी की प्रॉपर्टी 2b इक्वल टू a प्लस सी, a की जगह 8 रख दें तो 8 प्लस 6, a की जगह 8 तो 8 प्लस 6 14 टू 28 माइनस 8, 8 कॉमन ले लिया तो 1 बाय आर प्लस आर, 28 में से ऐड गया 16 बाय 8 2। सही किया है कैलकुलेशन, देखो 2b इक्वल टू a प्लस सी। यहां से तो r 1 आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी कहीं, कैलकुलेशन देखो, दूसरी में 6 जोड़ें तो प्राप्त संख्या समांतर श्रेणी 2b इक्वल टू a प्लस सी, a के प्लेस पर 8। टू ए प्लस 12 होगा, ठीक है बिल्कुल सही। नहीं वो तो ठीक है, तो वो तो मेरा भी 2a प्लस 12 तो हो गई, उसमें क्या दिक्कत है। करके देखते हैं, हाँ 2a प्लस 12 और फिर से कैलकुलेट करते हैं एक बार, वही के प्लेस पर 8 है, 8 बाय आर प्लस 8 प्लस 8 आर, ए कितना है 8, 16 और 12 28 माइनस 8 20, मैंने क्या लिख दिया था, तो 4 से डिवाइड है ना, 4 5 जा 20, तो 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2, सो 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इक्वल टू 0, 2r कॉमन r माइनस 2 माइनस 1 आर माइनस 2, तो आर की वैल्यू 2 भी आ सकती है, 1 बाय 2 भी आ सकती है। तो अगर आर की वैल्यू 2 ले तो 3 नंबर से 8 बाय 2 4, ए की जगह 8 ए आर 4 8 ए इंटू आर 8 इंटू 2 16, अगर 1 बाय 2 लेंगे तो 16 8 4, तो आंसर तो फाइनली 4 8 16 या 16 8 4, बात एक ही संख्या है वो क्यों नहीं, समझ में आया क्या, ये लिखो या ये लिखो, हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि B और C का समांतर माध्य A, यदि दो संख्याओं B व C के मध्य एक समांतर माध्य A तथा दो गुणोत्तर माध्य G1 व G2 है, यदि G1 क्यूब G2 क्यूब इक्वल टू K टाइम्स ऑफ ABC तो K का मान क्या था, अरे करेंगे ट्राई,
करें। आया किसी का आंसर? चलो मैं करता हूं, देखेंगे ध्यान से। दो संख्याएं हैं B और C, उनके बीच में एक समांतर माध्य स्मॉल ए है ना, तो 2A इक्वल टू B प्लस C, इसमें किसी को कोई डाउट? अब B और C दो संख्याओं के बीच में दो गुणोत्तर माध्य जी वन और जी टू, ठीक है, दो गुणोत्तर माध्य जी वन व जी टू है, गुणोत्तर श्रेणी होगी। तो अब याद करो R इक्वल्स टू क्या होता, B by A to the power 1 upon N plus 1, है ना, यही होता। लेकिन यहाँ B है C और C की जगह है B, या चौथा पद, ये चौथा पद इस गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद C है, तो A R क्यूब चौथे पद का फॉर्मूला A R क्यूब इक्वल टू C, तो R इक्वल टू C by B, R क्यूब इक्वल टू C by B और R इक्वल टू C by B to the power 1 by 3, राइट। तो पहला गुणोत्तर माध्य मतलब गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद, तो A इंटू आर, जी टू मतलब तीसरा पद, A इंटू आर स्क्वायर, तो B R, R मतलब C बाई बी टू दी पावर वन बाई थ्री, बी आर स्क्वायर सी बाई बी टू दी पावर टू बाई थ्री। आप क्वेश्चन में गिवन है जी वन क्यूब प्लस जी टू क्यूब इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए बी सी, तो जी वन क्यूब, जी वन की वैल्यू है बी सी अपॉन बी पावर वन बाई थ्री क्यूब, जी टू क्यूब बी सी अपॉन बी पावर टू बाई थ्री क्यूब इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए बी सी, क्या हो जाएगा बी क्यूब सी अपॉन बी, बी क्यूब सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर एक भी बचे, तो बी सी कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, बी प्लस सी, k times of abc equal to b plus c के प्लेस पर 2a, है ना, b plus c के प्लेस पर 2a, b plus c के प्लेस पर 2a, तो 2abc, हाँ कंपेयर किया abc से, abc k की वैल्यू क्या गई 2, क्या सबको समझ में आया कैसे किया?
गया सभी को समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या नहीं हुआ रविशंकर, एक दिन की छुट्टी में स्पीड कम हो जाती है ना? एक मिनट, कौन सा दिखाना है? एक मिनट, ये वाला नहीं, ये नहीं, एक सेकंड, ये हो गया रविशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि दो संख्याओं के बीच एक गुणोत्तर माध्य जी व दो समांतर माध्य पी और क्यू है, तो टू पी माइनस क्यू इंटू टू क्यू माइनस पी इक्वल्स टू, ऑप्शन आर जी स्क्वायर, फोर जी, टू जी स्क्वायर, थ्री जी स्क्वायर। करेंगे, जल्दी करें। है ना, दो संख्या मन से ले लो, कोई सी भी, ए और बी, गुणोत्तर माध्य एक जी है, दो संख्या ए और बी ले ली और इनके बीच दो हरात्मक, दो गुणोत्तर माध्य, सॉरी, पी और क्यू है, दो समांतर माध्य पी और क्यू है। हाँ दीपक, सही बताया आपने, तो ये एपी बन जाएगी, तो ये जी स्क्वायर, अगर जी गुणोत्तर माध्य है ए और बी का तो जी स्क्वायर इक्वल टू एपी। हाँ, और ये समांतर श्रेणी का चौथा पद है थ्री बी, ए प्लस फोर माइनस वन डी इक्वल टू बी, तो डी आ गया बी माइनस ए अपॉन थ्री, तो पहला समांतर माध्य पी इक्वल टू ए प्लस डी, ए प्लस डी बी माइनस ए अपॉन थ्री, तो थ्री ए माइनस ए टू ए प्लस बी अपॉन थ्री। दूसरा समांतर माध्य मतलब तीसरा पद ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी थ्री ए माइनस टू ए प्लस टू बी अपॉन थ्री। टू पी
माइनस क्यू, टू क्यू माइनस पी, थ्री, फोर ए माइनस है थ्री ए, टू बी से टू बी कैंसिल, ऐसे यहाँ थ्री एलसीएम थ्री, टू ए माइनस टू ए कैंसिल, फोर बी माइनस बी थ्री बी, तो देखो दोनों जगह थ्री से थ्री, थ्री से थ्री ए बी, तो ए बी की जगह क्या आ जाएगा जी स्क्वायर, है ना, दीपक ने बता दिया था, दीपक रघुवंशी ने सबसे पहले। हो गया सभी का, अब हम थोड़ा थ्योरी में हरात्मक श्रेणी शुरू करते हैं, नोट कर लें जल्दी। हो गया सभी का, चलिए हाँ तो कंटिन्यू करें, देखेंगे ध्यान से। हरात्मक श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एचपी। देखेंगे ध्यान से, एक अनुक्रम हरात्मक श्रेणी कहलाता है यदि, एक अनुक्रम हरात्मक श्रेणी कहलाता है यदि इसके पदों के व्युत्क्रम समांतर श्रेणी में, यदि इसके पदों के व्युत्क्रम समांतर श्रेणी में होते हैं। बात समझ में आ गई क्या? यदि इसके पदों के व्युत्क्रम समान, जैसे एग्जांपल देखो, वन थ्री फाइव, एक मिनट, वन, वन बाय थ्री, वन बाय फाइव, वन बाय सेवन, यह हरात्मक श्रेणी में होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके जो व्युत्क्रम है वो है वन थ्री फाइव सेवन, इसके व्युत्क्रम समांतर श्रेणी में है, इसलिए ये हरात्मक श्रेणी में होगा। बात समझ में आ गई क्या? तो हरात्मक श्रेणी चेक कैसे करेंगे? हर पद का व्युत्क्रम लिख दो, अगर वो व्युत्क्रम समांतर श्रेणी में आ जाए तो जो दी गई श्रेणी है वो हरात्मक श्रेणी हो। बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई सभी को? तो कहने का मतलब प्रत्येक हरात्मक श्रेणी के संगत एक समांतर श्रेणी होती है। अगर हरात्मक श्रेणी दी हुई है तो उसके संगत समांतर श्रेणी होगी होगी उसके पदों के व्युत्क्रम से, है ना। तो अपन ऐसा सिंबोलिकली भी लिखते हैं कि ए बी सी डी हरात्मक श्रेणी में है, ए बी सी डी हरात्मक श्रेणी में है, यदि और केवल यदि वन बाय ए, वन बाय बी, वन बाय सी, वन बाय डी समांतर श्रेणी में। बात समझ में आ गई क्या?
अगर ए बी सी डी हरात्मक श्रेणी में होंगे तो प्रत्येक पद का व्युत्क्रम लिया तो वो समांतर श्रेणी में। बात समझ में आ गई सभी को? तो हरात्मक श्रेणी का कोई भी पद शून्य नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि शून्य का व्युत्क्रम इनफाइनाइट होगा और किसी भी समांतर श्रेणी का पद अनंत नहीं होता। ठीक है, बात समझ में आ गई। हरात्मक श्रेणी का कोई भी पद शून्य नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। रीजन समझ में आया क्यों क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फिर उस हरात्मक श्रेणी के संगत समांतर श्रेणी विद्यमान नहीं हो पाएगी। कोई भी पद एक अनंत आ जाएगा, जीरो का व्युत्क्रम, जो होता नहीं है समांतर श्रेणी का कोई भी पद अनंत। बात समझ में आ गई? चलिए, अब व्यापक गुणोत्तर हरात्मक श्रेणी लिखोगे अगर, तो वही व्यापक समांतर श्रेणी जो थी आपकी 1/a, a+d, तो उन्हीं के व्युत्क्रम लिख दो और क्या हर एक पद के। हरात्मक श्रेणी का एनवा पद तो 1/ संगत समांतर श्रेणी का एनवा पद 1/ संगत समांतर श्रेणी, संगत समांतर श्रेणी का एनवा पद। बात समझ में आ गई क्या? अगर संगत समांतर श्रेणी वही ले रखी है अपन ने a+d, तो क्या आ जाएगा a+n-1d। मतलब हमें तो हरात्मक श्रेणी का कोई सा भी पद निकालना हो तो पहले उससे समांतर श्रेणी का पद निकाल लो, जो भी निकालना है, और फिर उसका व्युत्क्रम कर दो। हो गया, समझ में आया सबको? तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आए नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, क्वेश्चंस करते हैं। अनुक्रम 3/4, 3/5, 1/2 का सातवा पद ज्ञात कीजिए। हाँ, तो देखो अब पहले क्या पता तो करना पड़ेगा कि एपी है, जीपी है, एचपी है, है ना। जब क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन होता है, टेस्ट में रैंडमली कोई क्वेश्चन, तो हमें थोड़ी पता कि एचपी चल रहा है ना। आंसर बता दिया है उदय ने, है ना। तो देखो, अब मैं सबसे पहले इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया तो 3/5 - 3/4 1/20 आ गया, नहीं -3/20 आ गया, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो वो -3/20 नहीं आया, है ना। देखो 3/5 - 3/4 और 1/2 - 1/5 किया तो एलसीएम तो 10 आने वाला है, 3/10 तो इक्वल नहीं है ये, मतलब एपी नहीं है, है ना। ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब एपी नहीं। तो अब जीपी भी नहीं है, 3/5 - 3/4 तो 4/5 हो गया, और 1/2 - 3/5 ये भी नहीं आ रहा इक्वल, है ना। तो फिर हमने क्या किया, हर पद का व्युत्क्रम कर दिया। देखो ये व्युत्क्रम देख लो आप ध्यान से, अगर इसको देखें हम 2/1 को 6/3 लिख लें, एक ही बात है। हाँ, तो देखो ये एपी में है, इसलिए व्युत्क्रम एपी में है, इसलिए गिवन सीक्वेंस एचपी है। तो इस एपी का प्रथम पद 4/3 और सर्वांतर 1/3 एपी का, है ना। तो हमें सातवां पद किसका निकालना है, एचपी का। तो पहले हम T7 of AP निकाल लें, समांतर श्रेणी का सातवां पद a+7 - 1 = 6 डी कितना है 1/3 4/3 + 6/3 10/3 ये सातवां पद किसका है, एपी का। हमें एपी का थोड़ी चाहिए, एचपी का चाहिए, सातवां पद एचपी का। तो क्या हो जाएगा 3/10। क्या सबको समझ में आया क्या, कैसे निकाला?
एचपी का सातवां पद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। अनुक्रम 4 1/2, 3 2 1/4, 1 4/5 का आठवां पद ज्ञात कीजिए। नो मतलब रक्षा, क्या बोल रहे हैं? नो का क्या मतलब? वन फोर बाय फाइव है, वन फोर बाय फाइव मिक्स फ्रैक्शन है। उदय ने आंसर सही बताया है ना। 4 2 8 1 9/4, 3 2 4 8 1 9/4, यहाँ 9/2 है, 9/4, और 5 4 9/5। हाँ तो देखो इनको सब्ट्रैक्ट करके देखा तो एपी तो नहीं मिल रहा है, ये एपी नहीं है, तो अब हम इनके रेसिप्रो, जीपी भी नहीं है, तो इनके रेसिप्रोकल लिख लें और देखें, ये 2/9 और ये 3/9 लिख दें, तो ये एपी है, एपी है मतलब ये वाली ऊपर वाली एचपी है। तो हमें आठवां पद निकालना है एचपी का, तो क्या लिखूं? 1/8 पद संगत एपी का, तो ए है ना एपी का, एन माइनस वन सेवन डी 1/9, क्या हो गया? 1/2/9 प्लस 7/9, 9/9, इस केस में 1 ही आ गया। एचपी का भी आठवां पद 1 होगा और एपी का भी, क्यों? क्योंकि 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है। समझ में आया कि सभी को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हो गया सभी का? थ्री को 1/3 लिखे हैं और 1/3 को 3/9 लिखा है। पहले व्युत्क्रम किया, 3 का व्युत्क्रम 1/3, 1/3 को 3/9 लिख लिया। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि एक हरात्मक श्रेणी का पांचवे व नौवे पद क्रमशः पांचवे व नौवे पद क्रमशः 3/5 व 2 है, हरात्मक श्रेणी का दूसरा पद ज्ञात कीजिए। दूसरा मतलब सेकंड टर्म, दूसरा पद ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो देखो पांचवा पद और नौवा पद किसके दिए हैं? ये बेटा 3/5 और 2 हरात्मक श्रेणी के, तो अपन इनके संगत समांतर श्रेणी बना लो, तो 5/3 और नौवा पद 1/2 हो जाए। तो पहला पद ए सर्वांतर डी, तो प्रथम पद ए, और ए प्लस 90,
A3। समझ में आया क्या? दो इक्वेशन कैसे बनाई समांतर श्रेणी, इन दोनों को हल करके A और D निकाल लो। माइनस 4D 10 माइनस 3 7 बाय 6, डी आ गया माइनस 7 बाय 24। समझ में आया? समांतर श्रेणी का दूसरा पद ए प्लस डी, ए है आपका, ए अभी निकाला नहीं, निकालते हैं ए प्लस 4D। फाइव बाई थ्री, ये फोर सिक्स 24 प्लस 7 बाई 6 थ्री टू 17 बाई 6, ए 17 बाई 6 और डी कितना है माइनस 7 बाई 24। एलसीएम आया 24, 6 4 जा 24, 61 बाई 24। हाँ, इसलिए हरात्मक श्रेणी का दूसरा पद इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। सबको समझ में आया कैसे किया? ओके, नोट कर रहे हैं सभी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करूं रफ इसको, नेक्स्ट पर आए। कुछ लोग, सर हमारे स्कूल के पेपर टाइम छुट्टी रहेगी? आपका स्कूल कब है, का एग्जाम कब है बेटा? निधि, एक एक फरवरी से, एक फरवरी से 9 फरवरी। अच्छा, आप सभी लोगों के स्कूल का 11th क्लास की गवर्नमेंट स्कूल में 1 से 9 एग्जाम है? हाँ, तो बेटा हम बात कर लेंगे यहाँ के उस मैनेजमेंट से बात कर लेंगे, है ना, और आपको बताएंगे। बिल्कुल रखनी ही पड़ेगी, है ना, हाफ ईयरली है, मैं तो एनुअल समझ रहा था। हाफ ईयरली में काहे की छुट्टी? क्यों बच्चों, हाफ ईयरली में भी छुट्टी चाहिए? अगर आपको छुट्टी चाहिए है तो बात करना अथॉरिटी से, है ना। कब पढ़ेंगे? अच्छा ऐसा बोल रहे हो, टाइम चेंज? अच्छा वही टाइम, ठीक, हाँ हाँ समझ गया मैं कि टाइम ही वही है ना, टाइम तो ठीक है, मैं बात करके देखूंगा, है ना, ठीक है बेटा, है ना, हम बात करके बताएंगे आपको, मैनेजमेंट से बात करके बताएंगे, ठीक है, ओके। आपकी एग्जाम का टाइम छुट्टी के लिए, ठीक है। मॉर्निंग में क्लास बहुत मुश्किल रहेगी, क्योंकि जो टीचर आपको पढ़ाते हैं क्लास में उनके लेक्चर हो सकते हैं मॉर्निंग। आपका पेपर का टाइम 12:30 to 3:30 है ना, मैं बताऊं, और 1 से 9 तारीख तक आपकी एग्जाम है ना, 1st February to 9th February, एम आई राइट? यस, ओके, मैं बात करके आपको बताऊंगा कल, है ना, ओके okay. चलिए तो अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, करेंगे आप लोग। लिखेंगे बिल्कुल इसी टाइप का, एक हरात्मक श्रेणी का सातवें श्रेणी का, एक हरात्मक श्रेणी का सातवां व
तेरवा पद क्रमशः। वन बाय 34 व 1/64 है, तो श्रेणी का मतलब ऑब्वियसली हरात्मक श्रेणी का, तो हरात्मक श्रेणी का तीसवा पद ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, मैं समझ गया हूँ, मैं बात करके बताऊंगा, बार बार चैट में मत लिखो। 12:30 to 2:30 आपकी एग्जाम है 1 फरवरी से 9 फरवरी। ठीक है, मैं बात करूंगा फिर आपको बताता हूँ। करेंगे ये क्वेश्चन, जल्दी करें। वन अपॉन 148 नहीं बेटा, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही, सही करो। हाँ अब सही है रक्षा, 1/149। हरात्मक श्रेणी का सातवां पद कितना है? 1/34। ठीक है मनीष, 1/149। और तेरवा पद भाई आ गया 1/149, तीन बार बोल दिया, बार बार चैट में मत लिखें जिनका आ गया। ठीक है, T7 का फॉर्मूला, हरात्मक श्रेणी के हैं ये, तो समांतर श्रेणी के इनके संगत समांतर श्रेणी का सातवां पद हो जाएगा 34 और तेरहवां पद हो जाएगा 64 एपी के। तो एपी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी मान लिया, तो तेरहवें पद का फॉर्मूला ए प्लस 12D 64, सातवें का ए प्लस 6D 34। सबट्रैक्ट करें, ए से ए गया 6D इक्वल टू 30, डी 5, डी का मान समीकरण में रखा ए प्लस 6 5, तो ए 4, ए और डी आ गया। तो पहले मैं निकालूंगा तीसवा पद किसका, एपी का, ए प्लस 29D, ए कितना है 4, 29D कितना है 5, 9 5 = 45, 4 9 2 = 10 और 149, इसलिए तीसवा पद किसका, एचपी का, एचपी का तीसवा पद 1/140। समझ में आया सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक हरात्मक श्रेणी के का पीवा क्यूवा आरवा पद क्रमशः ए बी व सी है, यदि एक हरात्मक श्रेणी का पीवा क्यूवा आरवा पद क्रमशः ए बी व सी है, सी है तो बी सी क्यू माइनस आर, सी ए आर माइनस पी, ए बी पी माइनस क्यू का मान ज्ञात कीजिए। करेंगे ट्राई, करेंगे
हाँ, किसी का आया आंसर? नहीं आया। ठीक है, देखो, हरात्मक श्रेणी का पीवा पद एक है ना, तो हम एक काम करते हैं, संगत समांतर श्रेणी का पीवा पद क्या हो जाएगा, वन बाय क्यूवा पद क्या हो जाएगा, वन बाय बी, और आरवा पद क्या हो जाएगा, वन बाय सी। संगत समांतर श्रेणी का है ना, व्युत्क्रम हो जाएंगे पदों के। तो पीवे पद का फॉर्मूला ए प्लस, अब ए नहीं ले सकते प्रथम पद को, स्मॉल ए नहीं ले सकते क्योंकि उसका व्युत्क्रम तो पीवा पद है, तो कैपिटल ए कर दिया, समांतर श्रेणी का प्रथम पद है और सार्वांतर कैपिटल डी। तो क्या आ जाएगा, पीवे पद का सूत्र ए प्लस पी माइनस वन डी, क्यूवा पद ए प्लस क्यू माइनस वन डी, आरवा पद ए प्लस आर माइनस वन डी। ठीक है, समीकरण एक में से दो घटाने पर वन माइनस टू करो, तो देखो ए से ए कैंसिल, पी माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन, मैंने डी कॉमन ले लिया, वन बाय ए माइनस वन बाय बी, तो पी माइनस क्यू वन से वन बी कैंसिल है ना, ये वन से ये वन बी कैंसिल, डी इक्वल टू वन बी माइनस ए अपॉन ए बी। तो अब देखो जो लाना क्या है, बी सी इंटू क्यू माइनस आर, ए बी वाली टर्म क्या, ए बी इंटू पी माइनस क्यू, ए बी इंटू पी माइनस क्यू, हाँ तो पी माइनस क्यू इंटू ए बी क्या हो जाएगा, बी माइनस ए अपॉन कैपिटल डी। डी क्या है, सार्वन। ये समझ में आया? ठीक है, अब अगर मैं टू और थ्री को सबट्रैक्ट कर दूं, समीकरण दो और तीन को घटाएं, तो ए से ए जाएगा क्यू माइनस आर डी, वन बाय बी माइनस वन बाय सी, क्यू माइनस आर डी, एल सी एम बी सी, सी माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, Q माइनस आर इंटू बी सी, सी माइनस बी अपॉन डी। ठीक है, अब इसी तरह हम थ्री में से वन को सब्ट्रैक्ट करें, तो थ्री में से वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आर माइनस पी डी, डायरेक्ट लिख रहा हूं, वन बाय सी माइनस वन बाय, तो आर माइनस पी सी ए इक्वल टू ए माइनस सी डी। ठीक है, तो तीनों पदों को जोड़ दें आप, सबसे पहला बी माइनस ये जो आपका, ये जो जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए उसमें रख दें, बी सी इंटू क्यू माइनस आर, बी सी इंटू क्यू माइनस सी माइनस बी अपॉन डी है ना, पहला पद। फिर ये डी है, दूसरा पद है सी ए आर माइनस पी, सी ए आर माइनस पी, ए माइनस सी अपॉन डी प्लस ए बी पी माइनस क्यू, ये बी माइनस ए अपॉन डी, डी कॉम एल सी एम डी, सी माइनस बी प्लस ए माइनस सी प्लस बी माइनस।
समझ में आया कैसे किया? सभी को समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि A1, A2, A3, An हरात्मक श्रेणी में है हरात्मक श्रेणी में है तो A1A2 प्लस A2A3 प्लस An-1An इक्वल्स टू ऑप्शंस N+1 A1An N-1 A1An 2N-1 A1An है ना। ध्यान से देखें A1 A2 A3। अगर A1 A2 A3 An समांतर श्रेणी सॉरी हरात्मक में दिया है तो इनके व्युत्क्रम 1/A1 1/A2 1/A3 1/An 1/An-1 उसके पहले आएगा है ना, ये समांतर श्रेणी में होंगे। हाँ, और समांतर श्रेणी 1/A2 - 1/A1 क्या होता है? सर्वांतर। सर्वांतर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म भी सर्वांतर होता है, और लास्ट टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म भी सर्वांतर। A1 A2 A2 A3 A2 - A3 An-1 - An यहां से A1 A2 की वैल्यू निकालो तो क्या आएगी? A1 - A2/D। A2 A3 की वैल्यू निकालो An-1 An की वैल्यू An-1 An की वैल्यू निकालो तो कितनी आ जाएगी? An-1 - An/D। रख दो ये सारे A1 A2 के प्लेस पर A1 - A2/D प्लस A2 - A3/D हाँ देखो क्या बचेगा? A2 से A2 कैंसिल, A3 सब कैंसिल, तो 1/D A1 - A। अब देखें जो इस एपी का nth टर्म क्या? 1/An 1/A1 प्लस N-1D 1/An-1/A1 A1An ठीक है, तो A1 - An की वैल्यू निकाल लें यहां से, क्या आ जाएगी? N-1D A1 An। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसमें रख दें A1 - An की वैल्यू N-1D A1 * An और अपॉन में भी क्या है? अपॉन में क्या है? D, तो D से D कैंसिल हो गया, N-1 A1 An।
सबको समझ में आया कैसे डील किया, ऐसा कैसा एक क्वेश्चन हम समांतर श्रेणी में भी कर चुके हैं। ऐसा का ऐसा एक क्वेश्चन हम समांतर श्रेणी में भी कर चुके हैं। समझ में आया सभी को? ठीक है, हो गया, सभी को समझ में आ गया। चलिए अब आगे आते हैं। हरात्मक श्रेणी के n पदों के योग का कोई सूत्र नहीं होता है। है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि समांतर श्रेणी के n पदों के योग का सूत्र निकाल दो उसका व्युत्क्रम। पद पर्टिकुलर पद व्युत्क्रम होता है, योग थोड़ी व्युत्क्रम हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो अगर योग निकालने का आ गया तो फिर क्या करो, मैनुअली ऐड करना पड़ेगा। जैसे मान लो ये एक हरात्मक श्रेणी है, तीन पदों का, ये हरात्मक श्रेणी तीन पदों का योग पूछ लिया तो जोड़ दो ऐसा लिख के। तीन पदों का योग तो एलसीएम आया 6, 6+3 समझ में आया। हरात्मक श्रेणी ये जो थी उसके तीन पदों का, कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई क्या? ओके, अब हरात्मक माध्य, इंग्लिश में बोलते हैं हार्मोनिक मीन, शॉर्ट फॉर्म HM। दो संख्याएं ली ए और बी, उनके बीच में एक हरात्मक माध्य इंसर्ट किया तो क्या बन गई ये हरात्मक श्रेणी। दो संख्याएं ली ए और बी, उनके बीच में एक हार्मोनिक मीन इंसर्ट किया तो क्या बन गई हरात्मक श्रेणी। ठीक है, नहीं तो 1/a, 1/h, 1/b समांतर श्रेणी में होंगे। हाँ तो 2b = a + c, 2/h = 1/a + 1/b। बात समझ में आई कि एक रिलेशन 2b = a + c, समझ में आया क्या? अब यहीं से अगर इसको सिंप्लीफाई कर लें, एलसीएम ले लें ab, तो b प्लस a, तो h निकालें, 2ab = h times of a + b या b + a, तो h equals to क्या हो गया 2ab/a + b। समझ में आया क्या? तो ये दोनों एक ही चीज है। अगर a और b का हरात्मक माध्य h है तो h बराबर क्या आएगा 2ab/a + b। बात समझ में आई क्या? ठीक है, तब हम ए बी सी हरात्मक श्रेणी में है, तो यदि और केवल यदि का चिन्ह लगाया दोनों तरफ से ट्रू। तो 2b = 1/a + 1/c है, जो b है वो a और c का हरात्मक माध्य होगा, जो b है वो a और c का हरात्मक माध्य होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे 2b = 1/a + 1/c, या फिर यहीं से b की वैल्यू निकाल लें तो 2ac/a + c, दोनों हो सकते हैं। तो याद क्या रखना है कि अगर abc हरात्मक श्रेणी में है तो हम लिख सकते हैं 2b = 2ac/a + c, और अगर कहीं पर हमें b = 2ac/a + c मिलता है तो इसका मतलब होगा abc हरात्मक श्रेणी में।
हो गया। चलिए समझ में आया है सभी को यहां तक। अब हमें एक्चुअली करना क्या है, दो संख्याओं के बीच n हरात्मक माध्य पद, जैसे दो संख्याओं के बीच हमने n समांतर माध्य और n गुणोत्तर माध्य रखे थे, वैसे n हरात्मक। तो अभी पहले हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, कल कर लेंगे उसको। दो संख्याओं a और b के बीच n हरात्मक माध्य रखना है। लिखेंगे यदि h दो संख्याओं a व b का हरात्मक माध्य, यदि h दो संख्याओं a और b का हरात्मक माध्य, तो सिद्ध कीजिए h-2a h-2b = h2। ये सिद्ध करना तथा h प्लस ए अपॉन h माइनस ए प्लस h प्लस बी अपॉन h माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। दो क्वेश्चन कर दिए एक में, है ना। तो ए और बी का हरात्मक माध्य बड़ा आसान है सिद्ध करना। ए और बी का हरात्मक माध्य एच है, तो एच का मान क्या होगा, 2ab / a + b। एल एच एस ले लो और रख दो, एच माइनस 2a और एच माइनस 2b। एच कितना है, 2ab / a + b माइनस 2a। -2a² - 2ab ठीक है, इनटू a + b 2ab - 2ab - 2b² -2a² / a + b - 2b² / a + b ठीक है। कितना हो गया ये, 4a² b² / a + b² 2ab / a + b होली स्क्वायर एच स्क्वायर। सेकंड जल्दी बताएं, फर्स्ट तो हो गया प्रूफ, सेकंड में कुछ भी नहीं करना है, h का मान रखना है केवल। रखें 2ab / a + a / 2ab / a + b - a। टू ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी 3ab +
ए स्क्वायर, है ना, थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया, टू ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, ऐसे ही टू ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए बी माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू ए बी प्लस ए बी, थ्री ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू ए बी माइनस ए बी, ए बी माइनस बी स्क्वायर, ए कॉमन लिया न्यूमरेटर में से तो थ्री बी प्लस ए, ए कॉमन लिया बी माइनस ए, बी कॉमन लिया थ्री ए प्लस बी, बी ए माइनस बी, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, थ्री बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, इधर ए माइनस बी है तो माइनस बाहर कर लो, थ्री ए प्लस बी, एलसीएम आया बी माइनस ए, थ्री बी प्लस ए माइनस थ्री ए माइनस बी, टू बी माइनस टू ए, समझ में आया सभी को? ठीक है बच्चों, सबको समझ में आया, है ना? तो अभी इसमें एचपी में एक कंसेप्ट बचा हुआ है, कौन सा कंसेप्ट बचा हुआ है एचपी में? दो संख्याओं ए और बी के बीच एन हरात्मक माध्य, वो बचा हुआ है ना? तो बिगिनर बॉक्स फोर में जितने क्वेश्चन हो सके करना, सारे नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो एन हरात्मक माध्य वाला कंसेप्ट और बाकी है, ठीक है? तो कल करेंगे हम कंटिन्यू, ओके?